यहाँ पहले भी एक रेड लगा चुकी है, ये खुशी कैफ़े के नाम से है, और आज इनको इन्फॉर्मेशन मिली थी कि यहाँ भी कुछ पहले की तरह कोई ऐसा अनैतिक कार्य करता हुआ मिले, लेकिन यहाँ ऊपर बता रही हैं कुछ नहीं मिला। चार पांच लड़के हैं, कॉलेज गोइंग लड़के हैं जो चिकन खा रहे थे, और मैडम ने यानी कि ऊपर जांच की है, बता रही है कि ऐसा कुछ नहीं है, अनैतिक कार्य कर रहे हैं जो। ये एसपी मैडम के आदेश हैं जो रेड लगा रही हैं, और ऐसा ही जहां भी कोई कैफ़े में अनैतिक कार्य करते हुए मिले तो वहां उनको चेक किया जाएगा। चेकिंग के दौरान बता रही हैं कि चार पांच कॉलेज गोइंग लड़के थे। अच्छी जगह है, कहां रेड लगाई थी यार ये आपको क्या डाउट था, कौन सी जगह है ये? एसडी कॉलेज के पास वाली गली पड़ती है, हमें डाउट था कि यहां जैसे हमने पहले बंद करवाए थे ये कैफ़े, तो सुनने में आ रहा था कि दोबारा से चालू हो गए। मेरे द्वारा आज फिर जो है खुशी कैफ़े और एक कॉर्नर पे और है कैफ़े बना हुआ है, वहाँ चेकिंग की गई है। हाँ। चेकिंग के दौरान ऐसा कोई संदिग्ध कोई ऐसी चीज़ नहीं मिली, और हमारे द्वारा लगातार अपडेट की गई। आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिली थी यहाँ? ये इन्फॉर्मेशन मिल रही थी कि दोबारा से ऐसे गली में सरेआम ऐसे काम होने दोबारा शुरू हो गए हैं। अच्छा, तो अगर आप रेड करो तो आपको सक्सेस मिल सकती है, उन्हीं के माध्यम से हम यहाँ रेड करने आए थे आज। यहाँ हमें ऐसी कोई वस्तु या ऐसी कोई चीज़ या ऐसा कुछ भी नहीं मिला संदिग्ध जिसके ऊपर जो है ना कार्रवाई की जा सके। ऊपर ये आप बता रहे हैं चिकन खा रहे हैं चार पांच लड़के, ये क्या? ये कॉलेज गोइंग बच्चे हैं। अच्छा, और ये बैठे अपने वो कैफे में तो नहीं थे, ये उससे ऊपर एक और बिल्डिंग बनी हुई है जो किराए पे दी हुई है मालिक द्वारा, उसमें बैठकर चिकन और केले वगैरह फ्रूट खा रहे थे। हाँ। और ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है, हम किसी के को रोक नहीं सकते अगर लड़के बैठे हैं कुछ खा रहे हैं आए थे। अच्छा, जैसे कि नॉर्मल हम चेक करते ही रहते हैं, ये हमारा प्रोसेस है, हमारे एसपी साहब के आदेश हैं कि हम समय समय पर इनको चेकिंग करें। तो कुछ नहीं मिला? नहीं कुछ। थैंक यू।